नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत। झारखंड के जामतला में बुधवार की शाम ट्रेन से कटकर 12 लोगों की मौत हो गई है। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हालांकि रेलवे ने फिलहाल 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घटना कर्माटांड के पास कालाझरिया की है। पूर्वी रेलवे के CPRO कौशिक मित्र ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, ट्रेन संख्या से कम 2 किलोमीटर दूर ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गए। 12254 विद्यासागर काशीतार से गुजर रही, वहीं आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतक यात्री नहीं है, ट्रैक पर चल रहे थे। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय JAG समिति का गठन किया गया है। बताया गया है कि अंग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की सूचना के बाद उस पर सवार यात्री अफरा तफरी में नीचे कूदने लगे। इसी बीच सामने से आ रही झाझा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन पटरी पर गिरे यात्रियों को ऊपर से गुजर गई। अंग एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया है। जामतला रेल हादसे पर CM चंपई सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के जामतला में बुधवार देर शाम दर्दनाक रेल हादसा हो गया है। जामतला के कालझरिया स्टेशन के पास झाझा आसनसोल ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोग कट गए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। अब इस घटना पर चंपई सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जामतला के कालझरिया स्टेशन के पास हुई ट्रेन दुर्घटना की दुखद खबर से मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। प्रशासन की टीम मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। रोटी कपड़ा के साथ अब मकान भी दे रही सरकार, रामेश्वर उरांव। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार पहले से ही यहां के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है, अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार गरीब जनता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। पहले 24 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन दी जा रही थी। आयु सीमा 50 साल करने से यह सुविधा अब 48 लाख लोगों को मिलेगी। देश के अन्य लोग भी इस योजना को सराहना कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। 80 स्कूलों के CBSE की तर्ज पर चलाने से पढ़ाई में गुणवत्ता भी आएगी। जामतला ट्रेन हादसे की जांच के लिए रेलवे ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। झारखंड के जामतला में हुए ट्रेन हादसे पर पूर्व रेलवे ने बुधवार देर शाम बयान जारी कर स्पष्ट कहा है कि ट्रेन में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया है कि विद्यासागर काशीतार से गुजरने वाली ट्रेन संख्या 12254 से कम 2 किलोमीटर दूर ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गए। फिलहाल 2 मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि 12 मौत की बात कही जा रही है वह सही नहीं है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है वे ट्रेन के यात्री नहीं बल्कि ट्रैक पर चल रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। बता दें, ट्रेन दुर्घटना पर पूर्व रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जामतला स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 9199605431, वहीं दूसरा नंबर 9641823882 है। इसके अलावा आसनसोल स्टेशन का भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नगर निकाय चुनाव का मुद्दा नीलकंठ सिंह मुंडा ने उठाया। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान खुट्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नगर निकाय चुनाव कराने में संबंधित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आसनन विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लाया। विधायक ने कहा कि अप्रैल 2023 में नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कार्यकाल समाप्त हो जाने की इतने दिनों के बाद भी चुनाव नहीं कराना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त की राशि, जिससे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास उन्मुखी कार्य के लिए अपने क्षेत्र के लिए योजना का चयन करते हैं, राशि प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे विकास का कार्य कहीं न कहीं अवरोध हुआ। विधायक ने संबंधित विभाग के मंत्री से यह जानना चाहा है कि नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया है तो समय पर इसका चुनाव क्यों नहीं किया गया। भानु प्रताप शाही ने 51 गरीब कन्याओं का कराया विवाह। गढ़वा जिले के भवनाथपुर टाउनशिप के मैदान में बुधवार को स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने 51 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से कराया। इस मौके पर विधायक भानु प्रताप शाही ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पत्नी चानी शाही के साथ शादी के रस्म को पूरा किया।
शादी के बाद उपहार देकर उन्हें विदा किया गया। मौके पर भानु प्रताप शाही ने कहा कि सामूहिक विवाह का यह छठा आयोजन था, इसके पहले 236 बहनों का हाथ पीला करवा चुका हूँ। उन्होंने संकल्प लिया है कि वह 1000 असहाय बहनों का विवाह करवाएंगे। विधायक ने कहा है कि यह सभी लोगों के स्नेह और सहयोग से संभव हो सका है। JSSC पेपर लीक मामले में चंपई सोरेन के मंत्री का बड़ा बयान। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराने को लेकर विपक्ष के विधायक बजट सत्र के पहले दिन से ही सदन के भीतर से लेकर बाहर तक सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को भी विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर इस मुद्दे को लेकर खूब नारेबाजी की है। इधर CBI जांच कराने संबंधी भाजपा विधायकों की मांग पर श्रम नियोजन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार का विशेष जांच दल पूरे मामले की जांच कर रहा है। अगर SIT जांच से सरकार संतुष्ट नहीं होगी तब दूसरी जांच एजेंसी से जांच कराने पर विचार करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 फरवरी को रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक का समय शाम 4 बजे निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है। झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। ये बैठक आज के विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद होगी। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें आम लोगों के लिए कई वायदे किए गए थे। संभावना जताई जा रही है कि इसमें से कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। होली से पहले किसानों को सौगात, 16वीं किस्त जारी। PM नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाखों गरीब किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की रकम जारी कर दी है। किसान काफी समय से सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। PM नरेंद्र मोदी बुधवार को देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की रकम ट्रांसफर कर चुके हैं। बता दें कि PM मोदी किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए हैं। PM मोदी ने महाराष्ट्र के यवनमाल से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से 1 रुपये निकलता था और गंतव्य तक 15 पैसे पहुँचते थे। झारखंड में 2 मार्च से फिर होगी बारिश। झारखंड में बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है। हालांकि आज राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 1 से 2 दिन अभी और बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गढ़वा पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 2 मार्च से राज्य के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक रहेगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता में भारी आक्रोश। गुमला में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा नारा के साथ बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में झामो कलकत्ता एवं पढ़ा व्यवस्था के लोगों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशोक खेरवाल के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय में पदयात्रा सह न्याय मार्च निकाला। यहां केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। यात्रा करम टोली गांव के समीप से बिरसा बाग होते हुए ब्लॉक चौक पहुंचा, जहां ED का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद यात्रा प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अशोक खरवार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ED ने कार्रवाई की है, जबकि पूरे झारखंड की जनता जानती है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार झारखंडों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। CUJ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि झारखंड आकर उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे वे वापस अपने घर आई है। जब वह झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्हें झारखंड के बारे में काफी काम करने का मौका मिला। उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए सभी से जनजातीय समाज के लोगों को सशक्त करने में भागीदारी निभाने की अपील की है। वे बुधवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने 3 छात्रों को चांसलर मेडल प्रदान किया। इसके अलावा गोल्ड मेडल पाने वाले कुल 59 छात्र छात्राओं में से 50% लड़कियां होने पर विशेष खुशी जाहिर की है। 29 शोधार्थी ने PhD डिग्री प्रदान की है। झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की हेमंत सोरेन की याचिका। झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ED की विशेष अदालत पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है।
ईडी की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम को विधानसभा के बैठक सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने हाईकोर्ट का रुख किया था, अब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बाबा मंदिर प्रशासन ने शुरू की महाशिवरात्रि की तैयारी। बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी मंदिर प्रशासन की ओर से जोर शोर से शुरू कर दी गई है। भक्तों को सुलभ जलार्पण कराने व भीड़ नियंत्रण के लिए मंथन चल रहा है। महाशिवरात्रि के पूर्व देवघर स्थित बाबा मंदिर सहित परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शिखर पर लगे पंचशूल को खोलकर साफ करने तथा पूजा करने की परंपरा रही है। इसके लिए भी तिथि तथा मुहूर्त के अनुसार पंचशूल उतारा जाता है। बाबा मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने मंदिर प्रशासन को तिथि को लिखित रूप से उपलब्ध करा दिया है। 5 मार्च को धनबाद से अयोध्या के लिए रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। धनबाद से अयोध्या के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। 20 यात्री कोच व 2 SLR के साथ चलने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। यह ट्रेन 5 मार्च की शाम 5:50 पर धनबाद से रवाना होगी। ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखकर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इससे पहले 1 मार्च को उड़ीसा के खुर्दा रोड से अयोध्या नगर के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। खुर्दा रोड से सुबह 6:15 पर रवाना होगी, शाम 4:25 पर गोमो और अगले दिन अहले सुबह 3:20 पर दर्शन नगर पहुँचेगी। वापसी में 3 मार्च को दर्शन से सुबह 8 बजे खुलकर शाम 6:22 पर गोमो व सुबह 5:05 पर खुर्दा रोड पहुँचेगी। झारखंड में आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथा दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्यपाल ने 77% आरक्षण को असंवैधानिक कहा है, केंद्र के इशारे पर राज्य के पिछड़ों का हक मारने की साजिश है। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा सदन में उनके सवाल का गलत जवाब मिला है। इसके बाद हंगामा करते हुए भाजपा के विधायक वेल में पहुंचे। सामूहिक शादी समारोह में शिरकत हुए खेसारी लाल यादव। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा आयोजित सामूहिक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए प्रसिद्ध भोजपुरी गायक सह अभिनेता खेसारी लाल यादव सेल के ग्राउंड में पहुंचे। खेसारी लाल का एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उत्साहित थे। खेसारी लाल के द्वारा सभी श्रोताओं ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वहीं उन्होंने श्रोताओं के आग्रह पर एक से बढ़कर एक गाना एवं नृत्य प्रस्तुत किया है। मौके पर खेसारी लाल यादव ने जय श्री राम के नारे के साथ भगवान श्री राम का गीत गाया। वहीं उन्होंने इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति दी है। धन्यवाद।